समनीत कौर ने काफी कम उम्र में और बेहद कम समय में इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है। अवनीत कौर महज 21 साल की हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में उनका नाम बेहद बड़ा बन चुका है। लेकिन भाई आखिर अवनीत कैसे बने इतनी बड़ी स्टार? जालंधर की एक आम घर की लड़की का मुंबई तक कैसे आना हुआ, ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। अवनीत का जन्म 13 अक्टूबर 2001 को पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। जालंधर के ही पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल से अवनीत ने पढ़ाई की। बचपन से ही अवनीत को डांस और एक्टिंग का काफी शौक रहा। पंजाब में कुछ साल रहने के बाद अवनीत की फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां अवनीत के टैलेंट को धीरे धीरे उड़ान मिलने लगी। अब डांस और एक्टिंग तो अवनीत के रग रग में बसी थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने डांस रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और अपने सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाए। अवनीत महज 8 साल की उम्र से डांस कर रही हैं। 8 साल की उम्र में उन्होंने साल 2010 में अवनीत ने डीआईडी लिटिल मास्टर में पार्टिसिपेट किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि डीआईडी लिटिल मास्टर शो में टॉप 3 कंटेस्टेंट में शामिल रही थी। इसके बाद 2011 में अवनीत डांस के सुपरस्टार टीवी शो में भी नजर आई। इन दो शोज में पार्टिसिपेट करने के बाद वो काफी पॉपुलर हो गई थी, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया झलक दिखला जा शो ने, जो 2012 में आया। इस शो में अवनीत के पार्टनर बने थे एक्टर दर्शील सफारी। झलक दिखला जा करने के बाद अवनीत की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे काफी बढ़ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाने की सोची। अवनीत ने 2012 में ही एक्टिंग डेब्यू किया। वो मेरी माँ सीरियल में झिलमिल के रोल में नजर आई, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद अवनीत सावित्री, हमारी सिस्टर दीदी, चंद्र नंदिनी जैसे शो में भी नजर आई। बता दें कि चंद्र नंदिनी शो में अवनीत के किरदार को बेहद पसंद किया गया था और ये शो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अवनीत साल 2014 में आई फिल्म मर्दानी में भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म में अवनीत ने मीरा का किरदार निभाया था। टीवी पर अवनीत को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अलादीन नाम तो सुना होगा टीवी शो से मिली, जिसमें उन्होंने राजकुमारी जैस्मिन का किरदार निभाया। वह अवनीत की कमाई ने रफ्तार सोशल मीडिया के बूते पकड़ी। वो टिकटॉक पर स्टार बनी और अब इंस्टाग्राम पर उनके बड़े बड़े सुपरस्टार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अवनीत कई बड़े ब्रांड्स जिनमें क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय हैंड वॉश और मैगी जैसे कई ब्रांड का वो चेहरा रह चुकी हैं। बताया जाता है कि अवनीत हर साल टीवी, फिल्मों, म्यूजिक वीडियो से लगभग 1 करोड़ रुपए की कमाई कर लेती है। इसके अलावा वो हर महीने करीब 8 लाख रुपए ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रोफेशनल सोशल मीडिया पोस्ट से कमाती हैं। वेल, करीब 3 साल पहले अवनीत उस समय सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने मुंबई में अपना घर खरीदा था। अपना घर हर किसी का सपना होता है, खासकर मुंबई जैसे महंगे शहर में खुद के घर का होना अपने आप में ही गर्व की बात है। अवनीत इस घर में अपने माता पिता के साथ रहती है। आपको बता दें कि अवनीत को लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है। उनका काफिला अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो 80 लाख रुपए के रेंज रोवर कार की सवारी करती हैं। इसके अलावा उनके पास क्रेटा, स्कोडा की कॉर्जियक और टोयोटा की फॉर्च्यूनर SUV भी है। अच्छी बात यह है कि एक तरफ जहां अवनीत का करियर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को करना भी जारी रखा है। फिलहाल अवनीत मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री हासिल कर रही हैं।